शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को यथावत रखने के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सुकमा जिले के छिंदगढ़ व कोंटा में वर्षों से संचालित अधिकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संचालित किए जाने के व भवनों को तोड़फोड़ कर मरम्मत करने को लेकर व कोंटा में लगभग 400 व छिंदगढ़ 1000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें आगामी अध्ययन के लिए परेशानियां होंगी एवं अधिकृत हिंदी माध्यम स्कूलों को यथावत पूर्व के संस्थानों में ही संचालित करने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को पृथक से नव निर्मित संस्था व्यवस्थित किया जाए। इस विषय को लेकर AISF एवं AIYF ने धरना दिया, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग लगातार 26 तारीख से तीनों ब्लॉकों में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप न्यूजों में हर पत्रचारों में देख रहे हैं कि आज यहाँ जो संस्थाओं को बंद करके जिस संस्था पूर्वजों से चल रहा है शासकीय हाई स्कूल हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद करके उसी संस्थाओं में अतिक्रमण करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का जो निर्णय है सरकार और यहाँ की प्रशासन की रवैया है ये गलत है। हम लोग इसको नहीं मानते हैं क्योंकि जो संस्था में हजारों बच्चे अध्ययनरत है वो संस्थाओं को पृथक करके और वहाँ के बच्चे लोग को पृथक करके वहाँ आप किसकी भविष्य को उजागर करना चाहते हैं और किसकी भविष्य को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास की बातें करते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचा के क्या विकास करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लिए हम स्वागत करते हैं, हम आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगी, लेकिन जो जिस संस्थाओं को बंद करके आप उस संस्था में अतिक्रमण करके वहां संचालित करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं सरकार विकास की और साबित करना चाहती है क्या, या नया निर्माण करे तो हम मानेंगे कि विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन जिसमें अतिक्रमण करके किया जाना ये उचित नहीं है। इसीलिए हम लोग अलग से अंग्रेजी माध्यम खोला जाए, जो संस्था है पूर्वज चल रहा हिंदी माध्यम वो यथावत उसी संस्था में संचालित किया जाए, ये मांग करते हैं। समय न्यूज के लिए सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।